सत श्री अकाल देश विदेश के सूबे के सरोकार जुड़िया तमाम खबर लेके मैं रुमन बाजवा हाजिर हां। बुलेटिन का आगाज करते हूं तक दी खास खबर के नाल। बिहार के सियासी संकट च फसे नीतीश कुमार नूं वड्डा झटका, हाईकोर्ट ने विधायक दल का नेता चुनने नूं दस्सिया गैर कानूनी। पंजाब च नगर कौंसल चोणां नूं लैके अकाली भाजपा च गैरी हो रही है तरेड़, बटाला विखे सीटां दी वंड नूं लैके दोवां पार्टियां दे आगुआं विच होई तकरार। सपा विख एक पत्नी ने नजायज संबंध के चलते प्रेमी नाल मिलके अपने पति का किया कतल, वारदात को अंजाम देने मगरों हुए मौके तो फरार। दसूहा विखे दिन दिहाड़े एक बुजुर्ग को 4 लाख रुपए लुट के लुटेरे हुए फरार, सीसीटीवी कैमरे च कैद हुए लुटेरियां की फुटेज। तो बुलेटिन का आगाज करते हैं। बिहार च जारी सियासी संकट के नाल साबका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नूं जोरदार झटका लग्या है। नीतीश कुमार नूं विधायक दल दा नेता चुनन ते पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिती है। दरअसल मौजूदा मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खेमे दे विधायक वल्लों हाई कोर्ट विच अपील दाखिल करके नीतीश कुमार नूं विधायक दल दा नेता बनाउण दा विरोध किया गया सी, जिस ते हाई कोर्ट ने फैसला सुनाउंदिआं अगले हुक्मां तक रोक लगा दिती है। अदालत ने कहा है कि जेडीयू नूं राज्यपाल दे हुक्मां दा इंतजार करना चाहिदा है। गौरतलब है कि बीते दिन जेडीयू प्रमुख शरद यादव ने मीटिंग सद के नीतीश कुमार नूं विधायक दल दा नेता लाया सी। पंजाब विच नगर कौंसल चोणां च सीटां दी वंड नूं लैके अकाली भाजपा विचाले कई थाईं तकरार वेखण नूं मिल रहा है। बटाला च जिला इंचार्ज जगीर कौर ते विनोद शर्मा पहुंचे, जिन्हां दी मौजूदगी च दोहां पार्टियां दे आगुआं वल्लों सीटां दी वंड नूं लैके हो हल्ला मचाया गया। वध सीटां दी मंग ते दोहां पासिआं तों गर्म जोशी वेखण नूं मिली, हालांकि बाद विच जिला इंचार्ज दे कहण ते मामला शांत होया अते पार्टी हाईकमान नूं सीट दी वंड दा मामला भेज दित्ता गया। बटाला जिहड़ा क्योंकि इत्थे चेंज हुई है सीट अकाली दल दी ते बीजेपी दी एमएलए दी, थोड़ा जिहा एमएलए साहब क्लेम करदे आ कि जिस तरह पहला बीजेपी सी 12 सीटां ते 26 ते ओह सानूं दित्तियां जाण ते 7 उहनां नूं दित्तियां जाण, पर क्योंकि साडे कोल कोई पावर नहीं, असीं ऑब्जर्वर दे तौर ते आए हां, साडे दोहां कोल कोई पावर नहीं, इस नूं असीं सीट नूं इस कमेटी नूं असीं भेज दित्ता स्टेट लैवल दे उत्ते, ओह सरदार प्रकाश सरदार सुखबीर सिंह जी बादल अते शर्मा साहब जो फैसला करनगे उहनां नूं मंजूर। दो सीटा वधिया और मैं लगता वा तरह तरह आधार उत्ते दो सीटा दी शेयरिंग सी उहदी चर्चा होनी चाहीदी सी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा विषय उठाया गया भी टोटली रीशफल की जाए, शायद ये 7 सानू दित्ती जां 26 उहनां दित्तियां, मैं लगता पार्टी हाईकमान ते ध्यान च सब दवाता वा साडा हक बनता वा उस दो सीटा वास्ते आपां जो है। मोगा विच नगर निगम चोणां दे चलदे वख-वख पार्टी दे उम्मीदवारां वल्लों अपने नामजदगी पत्र भर के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर जमा करवाए गए। मोगा विच नगर निगम चोणां पहली बार होण जा रहियां ने अते इत्थे 50 वार्ड बनाए गए ने, जिन्हां विचों 17 वार्डां तों भाजपा अते 33 वार्डां तों अकाली दल दे उम्मीदवार चोण लड़ रहे ने। कांग्रेस पार्टी वल्लों भी नामजदगी पत्र दाखिल किए गए ने ते तिन्नां पार्टियां विच अपनी जित नूं लैके उत्साह वेखण नूं मिलिआ। स्थानीय निकाय का चुनाव स्थानीय मुद्दों से ही जुड़ा होता है, शहर की जितनी भी लोकबाग की समस्याएं हैं उसको दूर करने का वादा लेकर, ट्रैफिक की हो, रेलवे क्रॉसिंग की हो, पार्क की हो, पीने के पानी की हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, जो भी लोकल समस्या होगी सब बिंदुओं को हम साथ लेकर अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि भारतीय जनता पार्टी इनसे निजात। पंजाब विच जिथे नगर निगम अते नगर कौंसल दीआं चोणां दी घोषणा होण ते सियासी पार्टियां विच अपने उम्मीदवारां नूं लैके चोणां दीआं तैयारियां पूरीआं जोरां ते चल रहीआं ने। इस दे तहत फिरोजपुर दे नगर कौंसल दे चुनावां नूं लैके भाजपा ने अपने 18 उम्मीदवारां दे नावां दा ऐलान कर दित्ता है। जिक्रे खास है कि फिरोजपुर दे नगर कौंसल दे वार्डां दी गिनती 24 तों वधा के 31 वार्ड बना दित्ते गए ने, जिस विच भाजपा ने अकाली गठजोड़ नाल समझौता करके भाजपा 23 अते अकाली 8 वार्डां ते चोण लड़ रहे ने। ਕਾ
ਸਾਡੀ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੜੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਠ ਵਾੜੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵਾੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਤਪਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਇੰਦਰਦਾਸ ਚ ਇਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਾਮ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਣਾ ਤਪਾ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਰ ਭੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚੰਡੀਪੈਣੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਹੰਤ ਬਲਦੇਵ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜੇਰ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਭੜਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 3-4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੌਕੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਕੰਧ ਤੁਰੰਤ ਢਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਧਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ DSP ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਕਰਾਤੀ, ਨਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਕਰਮਨਾਥ 20 ਕਦਮਾਂ ਦੂਰ ਖੜਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਆ ਔਰ 3 ਬੰਦੇ ਸਲੇਂਪਰ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਲੇਂਪਰ ਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀ ਪੈਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਥਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਕੀਤੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਦਾਸ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਆ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ MLR ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਦਸੂਹਾ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਗਿੱਲ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਲੁਟੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਉਸਦੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਢਾਏ ਪਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਟਰੋਲ ਦਿੱਕੀ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਪਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਧਰ 2 ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਦੋਹੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਪੈਰ ਬੈਗ ਕੱਢ ਕੇ ਡਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜਨੇਜਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉੱਘੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਜੁਨੇਜਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ MLA ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ
ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ भारत पाक सीमा के नेले पिंड वजीदा टालीवाला विच मनरेगा स्कीम अधीन काम कर रहे बजुर्ग औरतों ते मर्दां नूं एक साल तो तनखाह न मिलन ते लोकां वल्लों सरपंच ते प्रशासन विरुद्ध नारेबाजी की गई। जिक्रयोग है कि जलालाबाद के 147 पिंडां विचों 40 पिंडां विच मनरेगा स्कीम तहत 2000 दिहाड़ीदार काम करते हैं जिन्हां नूं पिछले एक साल तो तनखाह नहीं दी गई है। दिहाड़ीदारां ने कहा कि उन्हां नूं हाले तक कोई तनखाह नहीं दी गई अते उन्हां दा नित दा गुजारा औखा हो रहा है। उधर इस मामले ते जिला ब्लाक अधिकारी ने बोलदिया कहा कि जेकर उन्हां दे ध्यान विच कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जांदा है तां जिसने तनखाहां दे मामले च हेराफेरी कीती है ते उस ते कार्रवाई कीती जाएगी। कापियां ते लगी रहियां, मैं आदे पुत दा भी काम कीता है, आदा भी कीता है, मैं नागा नहीं कीता, जिन्ना भी आया ही जा कीता है, हानू कोई पैसा नहीं मिला। साडी मांग है जी, असीं 15 दिन काम कीता नरेगा च, सानू हाली तक पैसा नहीं मिला, साल हो चुका है, सानू हक मिलना चाहिए है। इंक्वायरी करा के मजदूरी मजदूरों जल्दी दवाई जाए पड़ताल करके फिर सारी कार्रवाई करा। रूपनगर स्थानक जिले के पिंड च बीते कई महीनों तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के हुक्मां दीआं धज्जियां उड़ाउंदे होए 40-50 एकड़ जमीन चो 15-20 फुट लगभग डूंगाई तक शरेआम माइनिंग का काम किया जा रहा है। इस काम लई चल रही दो जेसीबी अते मिट्टी दर्जना ही ट्रांसपोर्ट कंपनियां समेत कई नामी स्टोन क्रशना वाले टिप्परां वलों लिजाया जा रहा है। उधर जदों संबंधित व्यक्तियों नूं इस माइनिंग बारे पुछया गया तां उन्होंने सरकारी परमिशन का परचा दिखाउंदे कहा कि असीं सरकारी काम ही कर रहे हैं। उधर जदों इस बारे जिला डीसी नूं पुछया गया तां उन्होंने कहा कि उन्होंने ध्यान विच इह गल नहीं सी अते हुण पता लगन ते इस ते पूरी कार्रवाई कीती जाएगी। में आप ही मुझे बता रहे हैं, मेरे नोटिस में ये बात है नहीं, पर उसकी चेकिंग मैं जरूर करवाऊंगी। अगर कार्रवाई हो रही है, अगर वहाँ पे माइनिंग पाई जाती है तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होगी, तो मैं टीम भेज देती हूँ और उस पर पर्चे भी होंगे अगर वहाँ पे कोई पाया जाता है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी के जन्म दिहाड़े नूं समर्पित पटियाला विखे सिख संस्थावां वल्लों दस्तार संभाल चेतना लहर कढ़ी गई। यह चेतना लहर गुरद्वारा पातशाही 9वें बहादुरगढ़ तों आरंभ होकर वख-वख थावां तों हुंदिया होया गुरद्वारा साहिब विच ही समाप्त होया। इस मौके वख-वख गतका पार्टियां वल्लों गतके दे हैरत अंगेज कारनामे विखाए गए। इस मौके चढ़दी कला टाइम टीवी के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दद्दी ने खास तौर पर शमूलियत की। इस दौरान सरदार दद्दी नूं सरोपे साहिब देकर विशेष तौर पर सन्मानित भी किया गया। धन धन बाबा अजीत सिंह जी साहबजादे उन्हां दी जन्म दे दिहाड़े ते शुभ अवसर ते इलाके दे नौजवानां वल्लों ते इलाके दीआं समूह संगतां वल्लों इह जो दस्तार संभाल चेतना मार्च गुरद्वारा श्री बहादुर खड़ 9वीं पातशाही तों आरंभत होया, मैं सभना एक बहुत वड्डा कदम आ इलाके वास्ते। इलाके दीआं संगतां ने जो इह भरपूर योगदान दित्ता इहदे विच, इतों की प्रबंधक कमेटी जिदे विच जसपाल सिंह इतों के गुरद्वारा साहिबान के प्रधान सारे ने मिल के इतों के नौजवानों ने और खास करके जगजीत सिंह दर्दी साहब जी की इन्हों के सहयोग के नाल और बड़े पतवंते सज्जणा के सहयोग के नाल ये जो दस्तार संभाल चेतना मार्च का प्रारंभ किया है, ये अज साडी समय की बहुत वड्डी लोड़ है। मैनूं इस गल की खुशी है कि दोवें पातशाही के सपुत्र स्थान के प्रबंधकों ने खास करके मैनेजर साहब हैड ग्रंथी साहब और कमेटी के सारे मैंबरों ने सरदार जरनैल सिंह करतारपुर संत बाबा भुपिंदर सिंह जी और होर बहुत सारी संगत जिदा के मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने आज एक नवा कमाल का काम करके दिखाया है कि चेतना मार्च इस पवित्र स्थान तो शुरू करके तकरीबन 50 पिंडों में साहबजादा अजीत सिंह जी का स्नेहा देने इतों अरदास करके चले हैं। मैं अपनी कौम के सारे नौजवानों को कहूँगा कि इन आदर्शक नौजवानों के पूर्णे उत्ते चल के थां थां उत्ते साहबजादा अजीत सिंह जी की याद में नौजवानों तैयार बर तैयार होन, साबत सूरत होन, सोहनिया दस्तारा सजा के खालसा पंथ का सोहना स्वरूप संसार प्रगट करने लिए यतन करन। नाभा शहर ते आस पास के पेंडू इलाकों में पिछले 15 साल तो कारशील स्वय सेवी जथेबंदी जन सेवा सुसायटी फॉर ऑर्किड एंड एड्स अवेयरनैस वालों नाभा विच एक सभ्याचारक मेले दौरान आम लोगों खूनदान करने के संबंध में जन सधारण विच पाई जा रही डर नूं दूर करन
लोगों को खूनदान करने प्रेरित करने एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में विशेष तौर पर डॉ एस पी सिंह ओबराय मैनेजिंग ट्रस्टी सरबदा बला ट्रस्ट और यूरोपियन देश सबोरगा वालों भारत में नामजद किए कॉन्सुलेट जनरल और ट्रस्ट के जिला पटियाला मालवा जोन के इंचार्ज सरदार जस्सा सिंह संधू और इंचार्ज मीडिया सेंटर सरबदा बला ट्रस्ट सरदार हरविंदर सिंह कुकू वालों इस प्रदर्शनी का दौरा किया गया। मेहमान बुक विच अपना संदेश दर्ज करते हुए सोसायटी वालों किए जा रहे कार्यों की शलाघा करते हुए अपने ट्रस्ट वालों हर संभव मदद देने का वादा किया गया। सोसायटी के मुख सरपरस्त डॉ आई डी गोयल सबका सिविल सर्जन ब्लड डोनेशन कोआर्डीनेटर विकास मित्तल चेयरमैन मेजर सिंह गुरमेल सिंह देवराज सिंह हरभजन सिंह और सोसायटी के होर मैंबर की शमूलियत नाल लगाई गई इस प्रदर्शनी दौरान तकरीबन 500 के करीब पोस्टर वंडे गए। सोसायटी वालों सरबदा बला के संपूर्ण सहयोग नाल 21 मार्च 2015 नूं लगाए जा रहे अखां के 15वें मुफ्त लैंस पाउण दे काम अते 32वें विशाल खूनदान कैंप प्रति भी लोगों नूं जानकारी दे के जागरूक किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन च इतना ही, ते हुण तुसीं देखोगे खबरां फटाफट।